हाई एवरी वन, यू ऑल आर मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर योर UGC NTA NET एग्ज़ाम एंड आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी ही जा रही होगी. सो डू नॉट पैनिक एंड बी कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव फॉर योर एग्ज़ाम. आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा. मुझे आज भी याद है जब मैंने UGC का एग्ज़ाम दिया था फॉर पॉलिटिकल साइंस. मैंने एग्ज़ाम दो बार दिया था एंड फर्स्ट टाइम मेरा 1% से रह गया था, बट सेकेंड टाइम मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया था इन पॉलिटिकल साइंस. सो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी. मैंने बहुत मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे. मैंने एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी इतने सारे मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व किए थे एंड स्पेशली 2 वीक्स बिफोर द एग्ज़ाम. मुझे आज भी याद है एग्ज़ाम से एक दिन पहले रात को 3 AM तक 4 AM तक मैं सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर्स ही सॉल्व कर रही थी. बिकॉज मॉक टेस्ट पेपर्स मेक यू फील कॉन्फिडेंट, दे मेक यू फील पॉजिटिव कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं. जितने भी आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करते जाएंगे, जितने भी आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे, यू विल बिकम पॉजिटिव कि आपके सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, प्रॉपर टाइम में आप कर पा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट हो पा रहा है. सो दिस इज माई पॉइंट दैट सॉल्व एज मच एज क्वेश्चन यू कैन, सॉल्व एज मच एज mock tests you can before your exam like I did. So I want all of you, and in today's video we're gonna solve questions from current affairs. आज हम current affairs के questions solve करेंगे जहाँ से questions आने के chances हमारे बहुत ज़्यादा हैं, which are very important for you. So let's start solving them. So let's start the current affairs for UGC NTA NET, जहाँ पर हमने आज 44 क्वेश्चंस लिए हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. सो ये वीडियो आप ज़रूर देखें. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़ हैज रिसीव द फर्स्ट पोजीशन इन NIRF MHRD यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019. सो यहाँ हमारा क्वेश्चन पहला आया है NIRF रैंकिंग से, जो कि मैंने आपको हमारी पहले की वीडियोस में भी हमेशा बताया है. हायर एजुकेशन में करंट से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ के हमने ज़रूर जाने हैं फॉर अवर हायर एजुकेशन. सो यहाँ क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में से फर्स्ट पोजीशन पूछी गई है, इन सारे ऑप्शंस में से किसको मिली थी. सो अगर हम यहाँ पर आंसर देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU एंड IIT दिल्ली, तो इनमें से जो यूनिवर्सिटी है जिसको फर्स्ट रैंक मिली है दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. सो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग कॉलेजेस हैज़ रिसीव द फर्स्ट पोजीशन इन NIRF MHRD कॉलेज रैंकिंग्स इन 2019. अब यहाँ क्वेश्चन आया है कौन से कॉलेज को फर्स्ट रैंकिंग मिली है. देखिए हमेशा याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड कॉलेज रैंकिंग्स को हमेशा अलग रखिए, इन्हें कन्फ्यूज़ मत कर दीजिएगा. कॉलेज रैंकिंग में कहीं आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग का लिख के आ रहे हैं, क्योंकि ये गलती हमसे कई बार हो जाती है, किसी से भी हो सकती है. सो ये ज़रूर याद रखिए, कॉलेज रैंकिंग में किसका पहले आता है एंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किसका पहले आता है. सो अगर हम यहाँ ऑप्शंस देखें, सेंट स्टीफन्स, मिरांडा, प्रेसिडेंसी कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, चारों ही अच्छे कॉलेजेस हैं, कुछ भी हो सकता है. बट यहाँ आंसर हमारा क्या होगा, मिरांडा हाउस कॉलेज, जो कि फर्स्ट रैंक में लास्ट ईयर भी था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जून 2019. इस बार का जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हुआ है जून 2019 का, उसकी थीम क्या थी, यहाँ पर पूछा गया है. तो उसकी थीम थी एयर पॉल्यूशन, जो कि हम देख ही सकते हैं, बिकॉज आज के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है जो जिस टाइप का पॉल्यूशन, दैट इज़ एयर पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन को लेकर डेली हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ आया रहता है. देर इज़ सम अमाउंट ऑफ क्राइसिस, वी लिसन अबाउट द एयर पॉल्यूशन. सो योर आंसर विल बी एयर पॉल्यूशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019. हमने इसमें अभी रिसेंटली हमारी वीडियो भी थी न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में, जिसका ड्राफ्ट अभी सबमिट हुआ है, एंड उस ड्राफ्ट के जो चेयरमैन है वो कौन है इनमें से. हमारे पास चार ऑप्शन हैं एंड उसके चेयरमैन हैं के कस्तूरी रंजन. तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, क्योंकि ये रीसेंट है, ये सारा ही रीसेंट है, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, बिकॉज हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं एंड यहाँ पर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी की बात हो रही है जो कि उससे रिलेटेड है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द राइट पिलर्स ऑफ द ड्राफ्ट फॉर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया है फिर से न्यू एजुकेशनल पॉलिसी से, जिसमें पूछा गया है उसके ड्राफ्ट के मेन पिलर्स क्या हैं. जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट है उसमें जो पिलर्स आए हैं जिनके मुताबिक न्यू एजुकेशनल पॉलिसी बनी है, जो बेस है फॉर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी, उसके पिलर्स क्या क्या हैं. तो यहाँ ऑप्शन हमें दिया है लिबर्टी, SS, इक्विटी, वेलफेयर, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. तो अगर ये सारे ऑप्शंस देखे जाएं तो इसका आंसर होगा SS, इक्विटी,
क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, विच मीन्स सही आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019, द कमिटी हैज प्रपोज टू रीनेम द नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट टू. अब न्यू एजुकेशनल पॉलिसी में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करी गई है. उन्हीं में से एक इंपॉर्टेंट चेंज तो जो है वो है कि जो कमिटी ने प्रपोज किया है, याद रखिएगा प्रपोज हुआ है अभी ये चीज़, प्रपोज किया है रीनेम करने का नेम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वो क्या किया है. ये चारों ऑप्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो रीनेम के लिए दिया है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट एंड नन. इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. सो हमारे सिक्स क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज, सो इन द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2019, द कमिटी हैज प्रपोज टू ट्रांसफॉर्म यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC टू. अब अगेन मिनिस्ट्री के बाद कमिटी ने जो प्रपोज किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को UGC का नाम चेंज करने का सोचा है, वो क्या किया है. देखिए ये क्वेश्चन भी ज़रूर आ सकता है बिकॉज UGC इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हायर एजुकेशन, सो यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स वेरी केयरफुली. सो अगर हम ये ऑप्शंस देखें तो हमारा आंसर जाता है हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन. तो आंसर क्या होगा इसका, हायर एजुकेशन ग्रांट्स कमीशन. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग मेडिकल कॉलेजेस हैज रिसीव द फर्स्ट पोजीशन इन NIRF MHRD यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2019. अब यहाँ पूछा गया है फिर से रैंकिंग्स के बारे में कि कौन सी जो मेडिकल कॉलेज है. अब देखिए यहाँ पूछा गया है मेडिकल कॉलेज के बारे में कि वो कौन सा मेडिकल कॉलेज होगा जो कि रैंक में फर्स्ट आया है इन NIRF. तो वो हमारा आंसर है इसका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. देखिए कुछ क्वेश्चन में कॉमन सेंस ही काम हो जाता है. एम्स जिसको हम जानते ही हैं नंबर वन कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है हमारे इंडिया का. सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज. नाउ द क्वेश्चन नाइन्थ इज, विच अमंग द फॉलोइंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट टॉप द अटल रैंकिंग्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स. अब यहाँ क्वेश्चन आया है ये वाली रैंकिंग्स जो कि न्यू आई हैं 2019 की, ध्यान रखिएगा ये रैंकिंग्स भी पढ़ के ज़रूर जानी है. तो यहाँ अगर देखा जाए विच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास. तो किसने टॉप किया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने किया है. नाउ द टेंथ क्वेश्चन इज, विच अमंग द फॉलोइंग प्राइवेट इंस्टीट्यूट. देखिए अब ये सेम रैंकिंग से पूछा है, अटल रैंकिंग से ही पूछा है क्वेश्चन, बट यहाँ क्या पूछा है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में. पहले क्या पूछा था, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के बारे में, अब पूछा है प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के बारे में कि किसने रैंक वन ली है 2019 में. तो अगर हम यहाँ आंसर देखें हमारा आंसर क्या होगा, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. नाउ द 11th क्वेश्चन इज, द वर्ल्ड अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन दिस ईयर. वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है साल में, तो इसका आंसर होगा अप्रैल 22, 2019. इस साल भी हमने अप्रैल 22, 2019 में ही अपना वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया था. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2019. अब क्वेश्चन आया है थीम के ऊपर. देखिए अर्थ डे में क्वेश्चन दो तीन तरीके से आ सकता है, ऑब्जेक्टिव, थीम और द डेट ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे. तो यहाँ क्वेश्चन अब आया है हमें थीम के मुताबिक. तो थीम यहाँ पर अगर देखा जाए वर्ल्ड अर्थ डे की क्या थी, प्रोटेक्ट अवर स्पीशीज़. ये क्वेश्चंस पढ़ के ध्यान से ज़रूर जाने हैं थीम्स के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, डेट्स के बारे में, बिकॉज इनसे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं UGC NTA नेट एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड वाटर डे व्हिच वाज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च 22, 2019. देखिए वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड वाटर डे, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डेज फॉर UGC एग्जाम. सो अब यहाँ क्वेश्चन इससे आया है तो इसका आंसर क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन, लीविंग नो वन बिहाइंड. यू हैव टू रिमेंबर प्रोटेक्टिंग अवर स्पीशीज वॉज फॉर वर्ल्ड अर्थ डे, लीविंग नो वन बिहाइंड इज फॉर वर्ल्ड वाटर डे. Now the next question is, which among the following options hosted the COP24 United Nations Climate Change Conference in 2018? देखिए conference से भी questions ज़रूर आते हैं, from environment section, from people and environment, they often ask कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात करी गई, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट वी स्टडी. सो यहाँ पर अगर देखा जाए COP24 का जो होस्ट हुआ था कॉन्फ्रेंस, वो कहाँ हुआ था,
कैटोविस में हुआ था. तो ये चीजें याद जरूर रखनी है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी. नाउ द 15th क्वेश्चन इज ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैव स्पेसिफिक टारगेट्स टू बी अचीव बाय. अब क्वेश्चन यहाँ पर आया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से कि उसके टारगेट्स कब तक अचीव होंगे. तो यहाँ पर अगर देखा जाए हमारे लिए गोल्स पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, कि इनके गोल्स क्या क्या थे, इनके टारगेट्स क्या क्या हैं. तो यहाँ अगर देखा जाए आंसर होगा आपका 2020, बिकॉज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के टारगेट हमने देखा जाए 2020 तक अचीव करने के लिए बोला गया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड टारगेट्स आर टू बी अचीव्ड बाय एजेंडा 2030. अब यहाँ पूछा गया है कितने गोल्स एंड कितने टारगेट्स अचीव करने हैं बाय एजेंडा 2030. तो यहाँ अगर देखा जाए हमारे ऑप्शंस में 17 दिया है, 18 भी दिया है, 19 भी दिया है एंड 17 भी दिया है हमें गोल्स में. तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा जो आंसर आता है दैट इज 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स एंड 169 टारगेट्स, जो कि हमारा करेक्ट आंसर है. ये चीज़ें ज़रूर याद रखनी है फॉर योर एग्जाम. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ गोल्स विच आर एसोसिएटेड विद अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी ऑफ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स अडॉप्टेड बाय यूनाइटेड नेशन. अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी बन सकता है किसने ये गोल्स अडॉप्ट किए हैं. तो किसने अडॉप्ट किए हैं, यूनाइटेड नेशन ने. और यहाँ क्वेश्चन क्या किया है कि क्लीन एनर्जी जो है, अफोर्डेबल एनर्जी जो है, उसके कितने गोल्स हैं. तो उसके गोल्स हैं 7. सो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्पेसिफिक चीज़ें हैं, डीप क्वेश्चंस हैं, ये भी याद रखने हैं. बिकॉज नेट में कई बार आप क्वेश्चंस एक्सप्लेनेटरी लेवल में आ रहे हैं. अब क्वेश्चंस पहले की तरह नहीं आएंगे कि बाहर बाहर से पूछ लिया. अब क्वेश्चंस थोड़े डीप लेवल के भी आ रहे हैं. सो आपको गोल्स के बारे में भी कि कौन से सब्जेक्ट, कौन से टॉपिक को लेकर कौन सा गोल है, ये भी पढ़ के ज़रूर जाना है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोड्यूस पावर from biomass by the year 2022. अब ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पर पूछा गया है बायोमास जो है उसके लिए ईयर 2022 तक गवर्नमेंट ने कितना टारगेट दिया है. तो यहाँ हमारा आंसर जो है सही वो है 10 गीगावाट. तो ये ज़रूर याद रखना है इसका आंसर, बिकॉज ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोठारी कमीशन रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन. ये देखिए कोठारी कमीशन से UGC में क्वेश्चन हमने बहुत बार देखा है, लास्ट ईयर भी हमने देखा था, हमने उससे पहले भी बहुत बार देखा है. सो कोठारी कमीशन तो हम मिस बिल्कुल नहीं कर सकते, वी हैव टू स्टडी दिस केयरफुली. एंड कोठारी कमीशन रिपोर्ट के यहाँ पूछा गया है एंटाइटल्ड किससे है. तो इसका आंसर होगा एजुकेशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट. सो ये क्वेश्चन भी पढ़ के हमने ज़रूर जाना है, इससे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है. Now the next question is which among the following options is not a dual mode university. कौन सी यूनिवर्सिटी इनमें से ड्यूल मोड नहीं है. तो अगर देखा जाए इसका आंसर हमारा होगा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, बिकॉज ये यूनिवर्सिटी ड्यूल मोड बिल्कुल भी नहीं है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 21 इज विच इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ UGC. अब देखिए चेयरमैन का नाम, फुल फॉर्म्स, डेफिनेशंस, ये चीज़ें याद करना भी ज़रूरी है फॉर हायर एजुकेशन एंड करंट अफेयर्स. सो यहाँ आप क्वेश्चन आया है प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में UGC के. तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, जो कि करंट UGC के चेयरमैन हैं. Now the next question is which among the following institutions in the field of education is set by the MHRD government of India. अब यहाँ पूछा गया है ऐसा कौन सा institution है in the field of education, education की field में, जो कि MHRD government of India ने set किया है. तो इसका answer क्या होगा, first is Indian Council of World Affairs, second is Mythic Society, third is National Bal Bhavan New Delhi, fourth is Indian International Center New Delhi. तो इसका answer देखा जाए हमारा क्या होगा, National Bal Bhavan, New Delhi will be the answer. Now the next question is the University Grants Commission was established under the recommendation of किसकी recommendation से UGC जो है establish हुई थी. ये question बहुत important है, one of the most important questions. इससे questions आने के chances बहुत ज़्यादा हैं. तो यहाँ अगर हम देखें कोठारी कमीशन हमारे पास है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमेटी है ऑप्शन में, मुदालर कमीशन एंड सर्जेंट कमीशन है. तो इसका आंसर क्या होगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन कमीशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द यूनिवर्सिटी विच टेलीकास्ट इंटरैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल. वो कौन सी यूनिवर्सिटी है जो कि टेलीकास्ट करती है इंटरैक्शन एजुकेशनल प्रोग्राम्स अपने खुद के चैनल के थ्रू. देखिए ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसका आंसर इग्नू है,
इग्नू ये बहुत करती है और ये आपको याद भी रखना है अच्छे से, बिकॉज ये क्वेश्चन आ भी सकता है इस बार. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैक विच इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन कम्स अंडर. अब मैं पूछा गया नैक के बारे में कि जो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है वो किसके अंडर आता है. यहाँ ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं हमें, MHRD, UGC, ICSSR, CSIR. तो यहाँ ऑप्शंस जो दिए हैं, नैक किसके अंडर आता है, तो इसका आंसर होगा UGC. UGC इज द वन जिसके अंडर नैक आता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैव सबमिटेड द ड्राफ्ट फॉर न्यू एजुकेशनल पॉलिसी. तो अगर हम सारे ऑप्शंस देखें, वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स. सो इसमें हमारा जो आंसर आता है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसने ये ड्राफ्ट को सबमिट किया है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी एक्सपर्ट्स वर द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी ड्राफ्ट. अब क्वेश्चन आया है कि कितने एक्सपर्ट्स जो कि थे वो पार्ट थे न्यू एजुकेशनल पॉलिसी के ड्राफ्ट के, वो कितने एक्सपर्ट्स थे. तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिए हैं, 6, 9, 11 एंड 16. तो अगर हम सारे ऑप्शन देखें तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, 9 वर द एक्सपर्ट्स हु वर पार्ट ऑफ द कमिटी for the draft of new educational policy. Now the next question is select the full form of the term AISHE. अब इस ये जो टर्म है इसका हमें फुल फॉर्म पूछा गया है. देखिए हायर एजुकेशन से रिलेटेड या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड फुल फॉर्म्स भी याद करना ज़रूरी है कि कौन से एब्रीवेशन का फुल फॉर्म क्या होगा. और ये इतने स्मार्टली याद करना है कि ऑप्शंस में जो एजुकेशनल रिलेटेड होगा वो ही मोस्टली आंसर ज़रूर होगा आपका. तो यहाँ हमें ऑप्शंस दिए हैं, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इम्पोर्टेंट सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. सो हमारे 28th का जो आंसर है दैट इज़ ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन. जो ऑल इंडिया में सर्वे होता है हायर एजुकेशन उसको हम AISHE बोलते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 29th इज़ द ASHE वॉज इनिशिएटेड ऑन. तो ASHE कब इनिशिएट हुआ था, तो ये इनिशिएट कब हुआ था, 1990 ऑप्शन है हमारे पास, 2006 है, 2007 एंड 2011 है. देखिए ये इतना पुराना तो नहीं है, इसका आंसर होगा 2011. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस इन इंडिया. इनमें से कौन सी स्टेट जो है उसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस है इंडिया में. क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो राजस्थान है, या फिर हरियाणा है, या फिर पंजाब है. तो हमारा आंसर जो सही होगा दैट इज़ उत्तर प्रदेश. यूपी इज़ द वन जहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं इंडिया के. अब ये आप कुछ तरीकों से भी देख सकते हैं, यूपी इज़ क्वाइट अ बिग स्टेट, ज्योग्राफिकली भी काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है. तो हम कुछ पॉइंट से, कुछ फैक्टर्स से अपने आंसर्स भी निकाल सकते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रन्स एंड मैनेजेस दी UGC इन्फोनेट नेटवर्क. इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो UGC इन्फोनेट नेटवर्क को संभालता है. तो इसका आंसर है ERNET. इट इज़ द वन विच हैंडल्स इट प्रॉपरली. सो ये भी क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है बिकॉज ये कंप्यूटर्स का भी पार्ट हो सकता है और ये पार्ट हो सकता है हमारे हायर एजुकेशन का भी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ हायर एजुकेशन ड्यूरिंग द 12th फाइव ईयर प्लान. अब यहाँ 12th फाइव ईयर प्लान से पूछा गया है कि डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव क्या था इन 2012-17 में. तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं, एक्सपेंशन, इक्विटी, एक्सेलेंस, ये तीनों ही हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द अबव. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ विसाखा. तो यहाँ पूछा गया है विसाखा की फुल फॉर्म क्या है. तो अगर देखा जाए इन सारे ऑप्शंस में से, विद्या सशस्त्र अभियान, विद्या शिक्षा अभियान, विद्या शिक्षा अभियान और विद्या सशस्त्र अभियान, तो ये चारों ऑप्शन में से जो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं एंड मे दे मे साउंड कन्फ्यूजिंग, तो इनमें से आपको याद रखना है वित्तीय सशस्त्र अभियान जो है ये इसकी फुल फॉर्म है एंड इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू दी एजुकेशन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन वेयर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिचुएटेड. अब यहाँ पूछा गया है करेक्ट ऑप्शन बताइए जिसमें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो सिचुएटेड है. तो इसका आंसर जो है दैट इज़ बैंकॉक. So Bangkok is the answer. So the next question is select the correct feature regarding meta university concept. अब यहाँ पूछा गया है जो meta university का concept है उसका correct feature बताना है हमको. तो let's see the options. Sharing the knowledge with each other, एक दूसरे के साथ knowledge share करना. Second is sharing of learning resources by different universities using latest technology. Share करना learning resources को different universities के through technology के साथ.
थर्ड इज शेयरिंग द टेक्नोलॉजीज, फोर्थ इज ऑल द अबव. तो यहाँ पर हमारा जो आंसर सही बैठेगा दैट इज द सेकेंड वन. मेटा यूनिवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये माना जाता है. नाउ द 36th क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म NCRI. यहाँ पूछा गया है NCRI की फुल फॉर्म क्या होगी. तो देखिए मैंने आपको बोला ये एब्रीवेशन से क्वेश्चन जरूर आते हैं, सो यू हैव टू स्टडी दीज थिंग्स वेरी केयरफुली. नाउ द आंसर इज फॉर दिस क्वेश्चन इफ यू सी नेशनल क्रेडिट्स फॉर रूरल इंस्टीट्यूट्स, नो. नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स, नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, न्यू कमिटी ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट. सो इसमें जो आंसर है हमारा दैट इज नेशनल काउंसिल ऑफ रूरल इंस्टीट्यूट्स. नाउ द क्वेश्चन 37 इज विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज हैज रिसीव द फर्स्ट पोजिशन इन NIRF MHRD University Rankings 2019 in the field of the law. अब यहाँ पूछा गया है कि लॉ की फील्ड में इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी की टॉप रैंकिंग थी. तो हमारे ऑप्शन अगर देखें हम नलसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तेलंगाना, नलसर लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटका, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली एंड नन. तो यहाँ हमारे अब ऑप्शन देखे जाएँ NIRF रैंकिंग के बारे में लॉ से, तो हमारा आंसर इसमें आता है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी कर्नाटका. दिस इज़ द राइट आंसर. Now the next question is when was the Paris Agreement came into effect. तो यहाँ पूछा गया है question from environment section कि Paris Agreement जो है वो कब effect में आया था. तो इसका answer जो है that is 3rd November 2015 होगा या फिर 4th November 2016 होगा, 10 December 2017 होगा और 11 June. तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा आंसर जो है जो आपको सही मार्क करके आना है that is 4th November 2016. On that day, Paris Agreement was signed. Now the next question is, select the full form of NDL. अब यहाँ बोला गया है NDL की हमें full form select करनी है, जो कि again higher education से related है. National Digital Liberty, National Digital Library, New Digital Library और New Digital Liberty. तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो होगा B option, National Digital Library. देखिए यहाँ पर digital की भी बात आ जाती है, computers भी आ जाता है, यहाँ पर पढ़ाई की भी बात हो रही है, लाइब्रेरी है, तो यहाँ पर हायर एजुकेशन भी आ जाता है. तो ये क्वेश्चन दोनों में से कहीं से भी आ सकता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्वयं प्रभा. तो यहाँ पूछा गया है स्वयं प्रभा को क्या बोलते हैं. तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखें, अ बुक लॉन्च बाय GOI, GOI क्या है यहाँ पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो यहाँ क्या पूछा है, अ बुक लॉन्च बाय GOI, एन ऐप फॉर एजुकेशन बाय GOI, कलेक्शन ऑफ द फ्री DTH चैनल्स फॉर एजुकेशन या फिर ऑल द अबव. तो हमारे ऑप्शन में से आंसर देखा जाए द आंसर विल बी ऑल द अबव बिकॉज इट इज़ अ बुक लॉन्च बाय GOI. ये एक बुक भी है, ये एक ऐप भी इसके लिए लॉन्च हुई है, कलेक्शन ऑफ फ्री DTH चैनल्स भी हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When was the e-पाठशाला launched? अब e-पाठशाला जो है इस ये देखिए ये ICT में भी आ जाता है क्योंकि ये डिजिटल है, प्लस यहाँ पर हायर एजुकेशन भी आ जाता है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई की बात भी हो रही है. तो इसके ऑप्शंस हमें चार दिए हैं और हमारा सही आंसर जो होगा दैट विल बी 7th of November 2015. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर वर्ल्ड एनवायरमेंट डे. वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का ऑफिशियल नेम क्या है. देखिए इसके जो यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हैं दे ऑल साउंड क्वाइट रिलेटेड एंड दे साउंड क्वाइट कन्फ्यूजिंग. आप कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं एग्जाम में कि यहाँ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे की बात हो रही है भाई, तो ये UN भी हो सकता है, ये तो UNFCCC भी हो सकता है, ये तो UNICEF भी हो सकता है, बट WTO आप देखें तो नहीं हो सकता बिकॉज इट इज़ समथिंग प्रॉफिट मोटिव. ये मोस्टली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में आता है, तो ये ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है. तो यहाँ पर UN बचा, UNICEF बचा, UNFCCC बचा, तो हमारा आंसर इनमें से क्या होगा, United Nation World Environment Day होगा. Now the next question is which among the following Indian states have launched the PM Emissions Trading Scheme. अब यहाँ पूछा गया ये बहुत ही करंट क्वेश्चन है फ्रॉम इंडिया एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी जो इंडियन स्टेट है उसने PM Emissions Trading Scheme निकाली है. तो यहाँ ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और इसका हमारा आंसर है गुजरात. तो अब आंसर इज गुजरात. नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग कैंपेन्स वॉज लॉन्च अंडर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2019. जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हमारा हुआ है 2019 का, उसके अंडर एक कैंपेन लॉन्च हुई है, वो कैंपेन का नाम क्या है इन ऑप्शंस में से, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन येट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने का चांस बहुत ज़्यादा है बिकॉज ये करंट टॉपिक्स में आता है हमारे.
सो ये जो यहाँ पर ऑप्शंस है, रिसाइकलिंग कल्चर, नो मोर प्लास्टिक, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, सेल्फी विद सैपलिंग, तो इनमें से एक वो कैंपेन है जो इस बार लॉन्च हुई है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे एंड ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, हायर एजुकेशन के, जहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मैंने भी अपने एग्ज़ाम के लिए ऐसे ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए थे सो दैट मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो, एंड आई डिड क्लियर माय एग्ज़ाम फॉर यूजीसी एंटीनेट। एंड आई वांट यू ऑल टू स्टडी इन सच अ मैनर कि आप करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाए लाइक आई डिड, सो दैट आपके एग्ज़ाम में 10 मार्क्स तो ईजीली कवर हो जाते हैं फ्रॉम करंट अफेयर्स, जो कि फ्रॉम एनवायरमेंट एंड हायर एजुकेशन सेक्शन से ज़रूर आते हैं। सो डू प्रिपेयर दीज थिंग्स एंड लास्ट क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा, क्वेश्चन नंबर 44। एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पर हम डेली मॉक टेस्ट पेपर ले रहे हैं एंड एग्जाम के वन वीक पहले ये मॉक टेस्ट पेपर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सो डू ज्वाइन अवर ग्रुप, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। बेस्ट ऑफ लक।